लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। सेक्रेटरी होम मियां शकील, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर्रहमान अदालत में पेश हुए। हुकूमत को जो बयान हल्फी चाहिए देने के लिए तैयार हैं। वकील दरख्वास्त गुजार, ये जो भी बयान हल्फी देना चाहती हैं वो दे दें, मैं हुकूमती कमेटी को भेज दूँगा। होम सेक्रेटरी ने कहा कि जस्टिस अली बाकर नकवी ने खतीजा शाह के शौहर जहानज़ेब अमीन की दरख्वास्त पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेक्रेटरी होम मियां शकील, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर्रहमान भी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेक्रेटरी होम मियां शकील, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर्रहमान अदालत में पेश हुए। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, बताएं क्या तफसीलात हैं आपके पास। खतीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। हुकूमत को जो बयान हल्फी चाहिए देने के लिए तैयार हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि जो भी बयान हल्फी देना चाहते हैं वो दे दें और मैं हुकूमती कमेटी को भेज दूंगा। होम सेक्रेटरी का ये कहना था हुकूमती कमेटी पर इस पर फैसला आएगा, इनको आगाह कर दिया जाएगा। होम सेक्रेटरी की जानिब से ये बताया गया। खतीजा शाह को अदालत तलब करने की हदायत की जाए, दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था। जस्टिस अली बाकर नकवी ने खतीजा शाह के शौहर जहानज़ेब अमीन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने खतीजा शाह की नजरबंदी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जी।